तुम अप्पा जी के पैर नहीं छू सकती। वो वहां पर वो उंगली तार है, तुम्हें करंट लग सकता है। ये सब तुमने किया? नहीं दादाजी, राघव जी ऐसा नहीं कर सकते। बंद करो अपनी अच्छाई का नाटक। आज तुम्हारी वजह से दादाजी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। हम नहीं चाहते हमारी वजह से गणपति जी के आगमन का ये उत्सव खराब हो जाए। अगर कोई चाहता है कि हम इस पूजा का हिस्सा ना बने तो ठीक है, टिकट खरीदने के लिए इस पूरे घर में हमारी बात कोई नहीं समझेगा, सिर्फ आप दोनों। बिना किसी प्यार के ना नफरत के हमें यहाँ रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वैसे अच्छा ही है कि ये यहाँ से चली जाए, आगे भी मेरे पकड़े जाने की कोई वजह नहीं बचेगी। तुम रो मत, जिसके लिए हमने ये प्लान बनाया था, ये जाल बिछाया था, देखना वो खुद इस जाल में फंसने आएगा। हाँ मिश्री, तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालने वाला वो घटिया आदमी रंजीत इस बार पकड़ा जाएगा। हाँ, फाइनली हमारा प्लान काम कर रहा है। गणपति बापा विघ्न हरता है तो विघ्न तो दूर होंगे ही। अब हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत अच्छे से कर पाएंगे।